हो सकता है शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये अभी आपको समझ ना आ रहा हो, बट मैं आपको बता दूं जब हमारे एग्जाम्स पास आते हैं तो डर का माहौल बन जाता है, हम थोड़ा थोड़ा घबराना स्टार्ट कर देते हैं, और उस टाइम जब हम अपने मोटी मोटी बुक्स की तरफ देखते हैं तो हमें यही फील होता है कि अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। एग्जाम के पहले यही वो टाइम होता है जब शॉर्ट नोट्स हमारे लिए संजीवनी साबित होते हैं। अगर हमने अपने प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाई हैं तो एक चैप्टर का सिर्फ 2 से 3 मिनट में हम बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि उस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपने प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाई हैं तो एक एक चैप्टर का हम सिर्फ 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। अभी तक तो हमने बात किया कि शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और ये हमें कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अब यार हम बात करते हैं कि आखिर शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आप A4 साइज का इस तरह का एक पेपर ले लो और कोशिश करना कि इसी एक पेज में एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और पॉइंट्स आ जाएं। अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो आप उसके लिए 2 A4 साइज पेपर ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि A4 साइज पेपर को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम से कम एरिया में आ जाए। आपका शॉर्ट नोट्स इस तरह होना चाहिए कि क्वेश्चन करते टाइम अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट में अटकते हो तो उसके लिए आपको बुक ना उठानी पड़े, उसका सॉल्यूशन आपको आपके शॉर्ट नोट्स में ही मिल जाना चाहिए। किसी भी टर्म का डेफिनेशन मत लिखना अपने शॉर्ट नोट्स में, 20 बार आप उसे पढ़ोगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।